बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझ जैसी इस नाचीज को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस मुनफरद यूट्यूब चैनल पर मालूमती वीडियोज, इस्लामिक वाकयात और अजीबो गरीब वीडियोज लाते रहते हैं, जिनसे वक्ती तौर पर बाखबर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि मजीद आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस मालूमती वीडियो की जानब बिना अपने कीमती वक्त को जाय किए। नाज़रीन, मुस्लिम साइंसदानों का जो हशर खुद मुसलमानों के हाथों से हुआ, वो अवाम को नहीं बताया जाता, बल्कि बड़े फखर से कहा जाता है कि वो तो हमारे मुस्लिम साइंसदान थे और बड़े अजीम साइंसदान थे, अगरचे इल्म का कोई मजहब नहीं होता। इनमें से पांच साइंसदानों का मुख्तसर अहवाल आज की इस वीडियो में आप लोगों के पेश खिदमत है। नंबर एक पे आते हैं याकूब अल-कुंदी। नाज़रीन, फलसफे, तबियात, रियाजी, तिब, मौसीकी, कीमिया और फलकियात का माहिर था। अल-कुंदी की फिक्र के मुखालिफ खलीफा को इक्तदार मिला तो मुल्ला को खुश करने की खातर अल-कुंदी का कुतुबखाना जब्त करके उसको 60 वर्ष की उम्र में सरेआम कोड़े मारे गए। हर कोड़े पर अल-कुंदी तकलीफ से चीख मारता था और तमाशबीन अवाम कह क्या लगाते थे। नंबर दो पे आते हैं इब्न रश्द। यूरोप की निशाइसानिया में कलीदी किरदार अदा करने वाले उंदलस के मशहूर आलिम इब्न रश्द को बेदीन करार देकर उनकी किताबें नजर आतिश कर दी गईं। एक रिवायत के मुताबिक उन्हें जामिया मस्जिद के सतून से बांधा गया और नमाजियों ने उसके मुंह पर थूका। उस अजीम आलम ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम जिल्लत और गुमनामी की हालत में बसर किए। नंबर तीन पे आते हैं इब्ने सीना। नाज़रीन, जदीद तिब के बानी इब्ने सीना को भी गुमराही का मुर्तकिब और मुर्तद करार दिया गया। मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरान इसके ताकुब में रहे और वह जान बचाकर छुपते फिरते रहे। उन्होंने अपनी वो किताब जो 600 साल तक मशरिक और मगरब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई, यानी अल कानून फियल तिब, हालत रुपोशी में ही लिखी। नंबर चार पर आते हैं जकरिया अल राजी। अजीम फलसफी, कीमिया दान, फलकियात दान और तबीब जकरिया अल राजी को झूठा, मुलहिद और काफर करार दिया गया। हाकम वक्त ने हुक्म सुनाया कि राजी की किताब उस वक्त तक उसके सर पर मारी जाए जब तक ये तो किताब ना फट जाए या राजी का सर। इस तरह बार बार किताबें सर पर मारे जाने की वजह से राजी अंधा हो गया और उसके बाद मौत तक कभी ना देख सका। नंबर पांच पर आते हैं जाबर बिन हयान। नाज़रीन, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे मगरबी दुनिया के लोग जदीद कीमिया का फादर कहते हैं, जिसने कीमिया, तिब, फलसफा और फलकियात पर काम किया, जिसकी किताब अल कीमिया और किताब अल साबीन सिर्फ मगरब की लाइब्रेरियों में मिलती है। जाबर बिन हयान से हाकम वक्त का इंतजामी सलूक, हुकूमत वक्त को जाबर की बढ़ती हुई शोहरत कटकने लगी और चुनाचे जाबर का खरासान में रहना मुश्किल हो गया। उसकी वालदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबर अपनी किताबों और लेबॉरेटरी का मुख्तसर सामान समेट कर इराक के शहर बसरा चले गए। बसरा के लोग जाबर के इल्म के गर्विदा हो गए। ये सिलसिला आज भी रुका नहीं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी काफी साइंसदान इस बेहुदा रवैये का शिकार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि मजीद आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर। वस्सलाम।